सलमान खान की फिल्म भारत 2014 में आई कोरियन मूवी ओ टू माई फादर का ऑफिशियली रीमेक है। हालांकि भौगोलिक स्थितियां, कल्चर, भाषा और सांस्कृतिक कारणों के चलते दोनों ही फिल्मों में काफ़ी अंतर कहा जा सकता है। जी हां, ओड टू माई फादर कोरिया की इतिहास के चौथे नंबर पर सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म है। जी हां, इस फिल्म के बारे में अगर बात करें तो साल 1950 में कोरिया में युद्ध छिड़ा था। उस दौरान हंगनाम में निकासी के दौरान हजारों शरणार्थियों को अमेरिका की नेवी बोटर्स में कोरिया के दक्षिणी हिस्से में ले जाया गया था। इस दौरान एक बच्चा डुयुक अपनी बहन से बिछड़ गया, जिसके चलते डुयुक के पिता अपनी बहन को ढूंढने लगे थे और वो अपने बेटे से कहते हैं कि वो अपनी माँ और दो भाई बहनों को सुरक्षित बुसान ले जाए, जहाँ डुयुक की आंटी रहती है। डुयुक के पिता ये भी कहते हैं कि उनकी अनुपस्थिति में वो ही घर का मुखिया है। अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए डुयुक हर तरह का काम करता है। 60 के दशक में आर्थिक तंगी के चलते डुयुक अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ यूरोप काम ढूंढने चला जाता है। यहाँ वो कोलमाइज जैसी खतरनाक जॉब करता है और एक लड़की के प्यार में पड़ जाता है। वीज़ा खत्म होने के चलते वो जर्मनी छोड़ देता है। कुछ महीनों बाद उसकी गर्लफ्रेंड डुयुक के पास कोरिया पहुंचती है और उसे कहती है कि वो माँ बनने वाली है। इसके बाद दोनों की शादी हो जाती है। वहीं 70 के दशक में डुयुक युद्ध से प्रभावित वियतनाम जाने का फैसला करता है, क्योंकि वहां जाकर वो काफ़ी पैसा कमाना चाहता है और अपनी दूसरी बहन की पूरी भव्य तरीके से शादी करना चाहता है। हालांकि उनकी पत्नी काफ़ी डरी हुई है, लेकिन डुयुक उसे मना लेता है। कुछ समय बाद वियतनाम से डुयुक काफ़ी संघर्ष के बाद फिर वापस कोरिया लौटता है। इसके बाद 80 के दशक में कोरिया के युद्ध में बिछड़े लोगों के बारे में सूचना मिलती है कि उन्हें एक बार फिर से मिलाया जा रहा है। डुयुक अपनी बिछड़ी बहन और अपने पिता की तलाश में उस क्षेत्र में पहुँचता है। इसके बाद क्या होता है, ये आप कहीं ना कहीं फिल्म भारत में देख सकते हैं। फिल्मी अड्डा से प्रियंका की रिपोर्ट।